हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो, जिसे अगर सीरीज हो, इसे मान लो लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है ना, इन सीरीज विद एन नंबर, कितने नंबर हो, एन नंबर, तो फाइंड आर इक्विवेलेंट, कितना इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो एन नंबर हो मतलब ये एन टाइम्स हो, मतलब ये आर आर हो, कितने टाइम्स हो, एन टाइम्स हो, ठीक है। तो निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये बच्चों मैंने एग्जांपल बता रखा था, जैसे मान लो जहां पे निकालना है ए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एन टाइम्स हो, है ना, मतलब ये और होगा आर एन टाइम्स, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, तो आर प्लस एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, आर प्लस आर, तीन आर, अगर एन टाइम्स आया तो एन आर, ठीक है क्या। तो आर इक्विवेलेंट ये बन जाता है, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलता क्या है, दूसरा क्या था देखना, दूसरा है कि अगर रेसिस्टेंस एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, एन नंबर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, एन नंबर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में लगा, इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, इसके लिए समझने के लिए क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस हो, और वो भी क्यों पैरेलल, थोड़ा समझना है इधर, एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, देखना एन नंबर, सुन ये ए पॉइंट और ये पॉइंट क्या मतलब बी, एन नंबर हो एन टाइम्स हो इस टाइम्स, है ना, एन टाइम्स हो मतलब और नीचे आता जाएगा, सर सभी का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर आर, सभी कितना है बच्चों, आर आर, ठीक। अब देखो तो इसका अगर आर इक्विवेलेंट लिखना है, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस था, आर ए बी एक ही बात है, वो बात क्या सेम, देखो वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ठीक है क्या, एन टाइम्स, कितने टाइम्स बच्चों, एन टाइम्स, ओके सर जी, ये बता दो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट जी कितना आएगा। अच्छा मान लो अगर दो रहता, दो मान लो दो रेजिस्टेंस रहता तो कितना लिखता, वन बाय आर प्लस वन बाय आर पर टू बाय आर, ये एन टाइम्स है, तो सोचो दो होता तो दो बाय आर एन होगा तो एन बाय आर, ठीक है क्या, एन टाइम्स होगा तो एन बाय आर, ठीक है क्या। तो यहां से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा R by N। तो ये बच्चों याद रखेंगे, अगर N टाइम्स पैरेलल हो तो R by N, और अगर सीरीज में लगा हो तो N R, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसमें है ना बच्चों, तो ये बातें याद रखेंगे कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो और अगर पैरेलल में लगा हुआ हो N टाइम्स, तो R by N होता है, तो ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन था देखना बच्चों, क्वेश्चन जैसे करवा रहा हूँ वैसे से भी याद रख लिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता, सुनना, एक कोई रेजिस्टेंस है, एक कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर, क्वेश्चन सुनना, अब वायर है, एग्जांपल है, अब वायर है रेजिस्टेंस आर, ठीक है बच्चों, अब वायर है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब बोलता है इट इज डिवाइडेड इंटू एन पार्ट, सुनना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके क्वेश्चन ओलंपियाड में आ सकता है, या तो जो नवोदय का स्टूडेंट है उसमें आ सकता है, उसके बुक में तो हमेशा ही सब क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू इनटू एन इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एंड जो इक्वल पार्ट्स हुआ था एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसे पैरेलल में लगा दिया गया है, दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो एन इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ ना उसे
पैरेलल में लगा दिया गया है, पैरेलल में लगा दिया गया है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब पैरेलल में लगा दिया गया। अब सुनो बच्चों क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस तो आ रहा है, इसको एन इक्वल पार्ट्स में किया, सुना था? ये रेजिस्टेंस जो है बच्चों इसको इक्वल पार्ट्स में, ये छोटा सा है ना, कितने पार्ट्स में किया बच्चों भाई, एन इक्वल पार्ट्स में किया, कितने पार्ट में, तो एन इक्वल पार्ट्स में किया, एन पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो एन पार्ट्स में किया, अच्छा ये बताओ जो जो वायर है वो उसका मटेरियल क्या है, सेम मुझे पता है रो इक्वल आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब सोचो इसी वायर को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया काट करके, तो सोचो बच्चों इसका लेंथ वेरी कर रहा है, सोचो ये सभी का लेंथ क्या होगा, इक्वल। मतलब कहा गया कि और ये जो आर है और जो मटेरियल है तो उससे मटेरियल से बना है, तो रो सेम है और एरिया भी इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, सेम है। ये बोलता है n इक्वल पार्ट्स में, मतलब डिपेंड ऑन l, ठीक है सर, ठीक है सर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन l, क्योंकि इसी वायर को किया गया है, मतलब इस वायर का एरिया और रो क्या है, सेम। अब देखो इसको मान लिया r डैश, तो सभी का क्या होगा बच्चों, r डैश ही होगा, इक्वल है, ओके n टाइम्स है, तो मुझे बताओ इसको लिखा जाएगा r बाय l, ठीक है, या तो लिखा जाएगा आर बाय आर डैश इक्वल, इसका लेंथ कितना है बच्चों एल, और ये इक्वल पार्ट्स में किया गया है तो एक का लेंथ कितना होगा एल बाय एन, एन पार्ट्स में किया गया इसका भी लेंथ कितना होगा एल बाय एन, इसका भी लेंथ कितना होगा एल बाय एन, इसका भी लेंथ कितना होगा एल बाय एन, मतलब एन इक्वल पार्ट्स में किया गया है तो सभी का लेंथ क्या होगा एल बाय एन, एल बाय एन, क्यों, क्योंकि एल लेंथ का था, एन भागों में डिवाइड कर दिया है, तो एल बाय एन एल बाय एन एल बाय एन सभी का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आर डैश इक्वल टू एल, तो आर ठीक है आर डैश पर एल बाय एन, एल कैंसिल, एन ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाय एन, समझ आया बच्चों, मतलब आर डैश जो हो जाएगा वो आर बाय एन हो जाएगा, मतलब कम रेजिस्टेंस हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि लेंथ क्या हो गया डिक्रीज हो गया, सभी का लेंथ डिक्रीज रेजिस्टेंस कम आर बाय एन हो गई, ठीक है। तो इसको पैरेलल में लगा दिया, मुझे पता है जब पैरेलल में लगाएगा तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, अगर इक्वल है तो आर बाय एन है, तो आर बाय तो यहाँ पे आर कितना है तो आर डैश, मतलब सोचो कि इसको पैरेलल में लगा दो, चलो मैं इसको पैरेलल में लगा दिया, इसको पैरेलल में लगा दिया, मान लो इसको पैरेलल में लगा दिया कितने टाइम्स एन टाइम्स, और सारा कुछ क्या है इक्वल है, तो एन टाइम्स पैरेलल में लगा दिया मैंने, देखो बच्चों ये आर बाय एन, और सुनना ये जो आर डैश का वैल्यू क्या है आर बाय एन, तो ये भी कितना है आर बाय एन, ये भी कितना है आर बाय एन, ये कितना है एन टाइम्स। अब सोचो अगर मैंने हटाया था, क्या हटाया था, अगर आर आर हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, आर मतलब आर बाय एन होगा, यहाँ पे आर बाय एन ही है तो ये क्या हो जाएगा आर बाय एन अपॉन एन, तो आर अपॉन एन का स्क्वायर, ओके सर, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बच्चों बताएगा आर बाय एन का स्क्वायर, कैसे समझ आ गया ना, कैसे तुम चाहो कैसे कर सकते हो, आर अपॉन वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वन अपॉन आर, आर कितना आर बाय एन प्लस वन अपॉन आर, आर कितना आर बाय एन वन अपॉन आर, ठीक है डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हो कि ये कितने टाइम्स है एन टाइम्स है, तो एन अपॉन आर बाय एन, इसको लिखा जाएगा एन स्क्वायर बाय आर, आर इक्विवेलेंट कितना उल्टा कर दो तो आर बाय एन स्क्वायर खत्म, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, ओके सर, क्या सर आ गया, यस सर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों तुम्हें आना चाहिए, ठीक है सर, और करते हैं इस बार क्या किया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्वेश्चन सेम है और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे सीरीज में लगा दिया गया है, तो फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस, देखो बच्चों के तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सेम कहानी बनाएंगे, ये डिस्टेंस से इक्वल भागों में बांट दिया गया है, ठीक है सर, कितने पार्ट्स में एन पार्ट्स में एन टाइम्स में बांट, ठीक है एन पार्ट्स में बांट दिया गया, अच्छा इसका आर है तो इससे कितना जगह बच्चों आने वाले सिखाया आर बाय एन आर बाय एन आर बाय एन है ना, एन इक्वल पार्ट्स में अगर लिखता फोर इक्वल पार्ट्स इस
इस स्पेस को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है r by 4, r by 4, r by 4, r by 4. अगर थ्री इक्वल पार्ट्स में रहता तो r by 3, r by 3, r by 3. अगर पांच होता तो r by 5, r by 5, r by 5, खत्म. तो याद कर लो अच्छा से. तो इसको सीरीज में लगा दो, तो सीरीज में लगा दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, वन. तो आर वन आर बाय एन प्लस आर टू आर बाय एन प्लस आर बाय एन कितने टाइम्स बच्चों, एन टाइम्स. तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये कितना हो जाएगा, एन टाइम्स है. तो एन इंटू बोलो एन इंटू आर बाय एन, अरे एन 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 कैंसिल, तो आर इक्वल वही बन जाएगा आर. इसमें क्या है, इसमें सही तो है, अरे जो छोड़ दिया वो आर बन गया, सिंपल सी बड़ी बात है, सिंपल सा बात है. तो ये सब बच्चों आना चाहिए, है कि नहीं. चलो तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस पैरेलल लोड सीरीज का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है सर. थोड़ा और न्यूमेरिकल करते हैं, देखो बच्चों इसमें कोई खास नहीं है, मैं थोड़ा सिखाता हूँ कैसे. चलो देखो अच्छा चलो देखो जी ये बताओ, सिंपल सा बात है, ठीक है. चलो मैं इसको लिखता हूं, फर्स्ट मेथड लिखता हूं, या तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखता हूं, फर्स्ट टाइप लिखता हूं सिंपल. फर्स्ट टाइप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल आसान आसान देगा, सिंपल सा बात है. टू ओ थ्री ओ सिक्स ओ, ठीक है, और ये टू हो. चलो बच्चों ए और बी, ए और बी के क्वेश्चन निकालना है आर को मिले. चलो देखो अच्छा ये बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल. क्यों पैरेलल बच्चों, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ पे वाई मान लो, तो सोचो एक्स से वाई के बीच कितना है ओम है, थ्री ओम. एक्स से वाई के बीच कितना ओम है, सिक्स ओम. मतलब एक्स और वाई के बीच ये दोनों ओम है, तो दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा. तो ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है सर. तो हाँ एक बात और, अगर दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल हो, सुनना बच्चों, अगर दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल हो आर वन और आर टू, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. तो ये बातें हम याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया वहीं से है, कैसे, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. एलसीएम ले लो, उल्टा करोगे तो ये सब कुछ वैल्यू आ जाएगा. तो ये हम याद रखेंगे कि दो आपस में पैरेलल हो तो आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू होता है, ठीक है, याद रखेंगे. अब देखना ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, क्योंकि एक्स और वाई के अक्रॉस तीनों एक्स वाई के अक्रॉस सिक्स ऑफ दोनों पैरेलल है. तो सिक्स इंटू थ्री मतलब आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो कितना बच गया, अठारह बाय नौ कितना हो गया, दो ओम. तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए. अब देखो ये कितना है बच्चों, टू ओम, और इसका भी दो ओम, दो ओम लिख लिया. ये कितना है, दो ओम. ये कितना आ गया बच्चों, देखो तो ये बी के अक्रॉस आ गया, देखो आर के लिए कितना आ गया, दो दो चार चार दो छः, तो सिक्स ओम आंसर आ गया, ठीक है. तो ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल बच्चों आना चाहिए. इसमें और बहुत एग्जाम्पल में करवाता हूँ, देखो इसमें कोई खास नहीं है, देखो एग्जाम्पल और तो करता हूँ. चलो बच्चों इसमें मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, दो तीन चार जो कि तुम्हें क्लियर हो जाए. देखो फर्स्ट फाइव नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो ए और ये बी, ठीक है, टू ओम थ्री ओम फोर ओम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया, सिक्स ओम थ्री ओम टू ओम टू ओम वन. अब निकलना आ रही है, अब देखो बच्चों ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल. अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इसका इस वायर का फर्स्ट एंड और इस वायर का लास्ट एंड देखो, पर इसका भी फर्स्ट एंड और इसका भी लास्ट एंड देखो. इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, तो एक्स और वाई के क्रॉस सिक्स ओम, एक्स और वाई के क्रॉस भी थ्री ओम, तो आपस में क्या है, पैरेलल है. तो पहले का सिक्स इंटू थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री छोटे अठारह, दो, ठीक है, दो आ गया. और देखो क्या इसमें कोई आसान बात है, अब देखो इसमें दो तीन दो पाँच, पाँच चार नौ और नौ और दो, इसका इक्विवेलेंट कितना है, दो ओम है.
दो कितना, 3 2 5 4 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 16। आगे में कितना आ गया बच्चों, 16 आंसर आ गया। अब मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखो ये सब मामला ऐसा अगर आ जाए, देखो अच्छा ये सीरीज में था, ठीक है, एक लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये केवल था, पहले था, सिंपल सा बात है। और करते हैं देखो, ऐसे देता है तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कैसे देखो ए बी मान लो, ठीक है हाँ? इसी का एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 3 ओम 1 ओम 20 ओम, ठीक है, 20 ओम ठीक 20 ओम, ठीक। अब निकालो ए बी के अक्रॉस आ रही है, ठीक है, ए बी के अक्रॉस कैसे आएगा देखो बच्चों। अच्छा ये तीनों क्या आपस में है, सीरीज में, ठीक है। तो 20 21 21 3 24, ठीक है, 24 इसका आ ठीक। अब ये बताओ ये क्या है, पैरेलल या सीरीज। अब देखना क्या है, इसे एक्स मान लो और इसे वाई मान लो, ठीक। अच्छा वाई तो देखो इस वायर में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहां लाके ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता ना तो बात अलग होता, यहाँ वाई है तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, वाई ही होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई होगा। तो एक्स और वाई के बीच कितना 20, एक्स और वाई के बीच कितना 20, तो 20 20 आपस में ये भी क्या पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो R1 × R2 / R1 + R2, तो 400 / 40 कितना आ गया बच्चों, 10। तो ये कितना आ गया, 10 ओम, ये कितना आ गया, 10 ओम आ गया दोनों मिला के। तो 3 1 4 20 24 24 10 कितना, 34 ओम, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल आना चाहिए, सिंपल सवाल, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है हो चुका है बच्चों, अब सेकंड टाइप में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखेंगे, सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकता है। अब देखो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसे आ सकता है, देखना जैसे सिंपल सवाल है, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे याद रह गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखना जैसे मान लो रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर का मान लिया, ठीक है सर, यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दिया बच्चों, देखो यहाँ पे वायर लगा दिया, ठीक है। तो सिंपल बोल रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट कितना होगा ए बी के अक्रॉस। अब देखो यहाँ पर सिंपल वायर लगा दी, इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो सोचो रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको पॉइंट एक्स मान लिया तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ भी एक्स, 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 यहाँ भी एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। मतलब ये एक्स एक्स हो गया, मतलब अब ये एक्स एक्स के बीच कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो ये पॉइंट एक्स के लिए भी एक्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर करेंट यहाँ से अंदर गया, क्या करंट यहां से बाहर हो, क्या करंट इसमें आएगा, क्या इसमें करंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट यहां से यहां बह जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बच्चों देखो ये क्या है, एक ये बाधक है करंट को आने में, ये रुकेगा, ये रुकेगा क्या, नहीं, इधर सीधा सीधा करंट इसमें आ जाएगा, इसलिए इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। इस रेजिस्टेंस को बाहर कर दो, तो बाहर कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखो ये आर, ठीक है, और सोचो ये अगर आर हो तो ये भी एक्स, और यहाँ से ये लाइन हो ये ऐसे, ठीक है क्या, ये आर। अब ए बी के अगर बोलो आर में कितना आ गया, तो ये दोनों क्या सीरीज में, करंट जाएगा, करंट अंदर है, ठीक है क्या, आई कैन, तो दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, आर में डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, R + R 2R, सिंपल सवाल, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये खासकर ओलंपियाड में आता है, कोई बच्चा अगर ज्यादा अगर समझदारी दिखा रहा हो ना उसे ये क्वेश्चन दे दो बस, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया, जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन दे दिया बच्चों, देखो देखना ये ऐसा दे दिया, कुछ एक वायर लगा दिया गया ए बी, सिंपल सा 2 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, बोल रहा है कि ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट करके दिखाओ, ठीक है। इसी में सेकंड
क्वेश्चन देख लो। ये बोलो जो करंट जाएगा, करंट मामले से गया, क्या करंट इसमें आएगा क्या? नहीं, इसमें क्यों नहीं आएगा बच्चों? इसमें इसलिए नहीं आएगा, ये देखो ये सिंपल वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है। अगर ये पॉइंट x मानता हूं तो ये भी x है, तो ये भी क्या x है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, कटता हो। तो करंट सिंपल इसमें आएगा, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देखो अब ये सर्किट ये बन गया, तो सर्किट क्या बन गया? दो दो चार दो छह, सिक्स ओम है बच्चों, तो सिक्स ओम लिख लिया मैंने, और ये एक लाइन बन गया, ये कितना है? थ्री ओम। बोलो दोनों क्या है? सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो आर्गुमेंट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? नाइन ओम। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो ठीक है। और करते हैं अब थर्ड टाइप में आते हैं, थर्ड टाइप में क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? देखो सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप में आता है कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है? देखो थर्ड टाइप में क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, देखना मुझे जैसे बताऊंगा वैसे का याद रख गया ना, तो बस इसमें कोई खास बात नहीं है, सबको आता है ये क्वेश्चन। देखो ये ऐसा बनाया गया है, ऐसा बना दिया गया, देखना ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है सर, चार रेजिस्टेंस है, बोलता है निकालो। मुझे अच्छी बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है, यहाँ पर अगर y होगा, यहाँ x नहीं होगा याद रखना, यहाँ पे क्या होगा? कुछ y होगा, तो यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ भी y, मतलब y यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी b, सही बात है क्या? यस सर, ठीक है, ठीक है क्या? मतलब वाई भी वन साइड कर गया, इसे चाहो तो ये बी, तो ये भी बी, तो ये भी बी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो बी 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 यहाँ पे। तुम क्या करो, कुछ ऐसा लाइन बनाओ, देखो ए, ए बी के क्रॉस निकालना है तो ए बी के क्रॉस एक लाइन खींच दो, बीच में कौन सा पॉइंट अननोन है, तो एक्स पॉइंट अननोन है, तो एक्स पॉइंट यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ए और एक्स के बीच एक आर, ए और एक्स के बीच ए आर, ए और एक्स के बीच एक वन आर है, ठीक है, x और b के बीच 1r, x और b के बीच 1r, ठीक है, x और b के बीच 1r, x और b के बीच एक और r है, x और b के बीच एक और r है, ठीक है क्या? ठीक है, x और b के बीच एक और r है, x और b के बीच एक और r है। देखो बच्चों, एक दो तीन चार, तीन एक चार रेस्टेंस हो गए, तो कितना आ गया? ठीक है, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल, क्योंकि x और b के क्रॉस r, x और b के क्रॉस r, x और b के क्रॉस r, तीनों का फर्स्ट एंड और लास्ट एंड क्या सेम है, तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है, r r है, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? r by 3 इसका, क्योंकि r r अगर n टाइम्स होता है तो r by n होता है, तो r by 3, और ये r, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया? ab के क्रॉस, तो ab के क्रॉस आ गया। अब ये और ये क्या सीरीज में, तो r + r by 3, तुमको कैसे चाहो तो एक पॉइंट बना लो, और ये क्या है, ये क्या r है, ठीक है, और ये स्टूडेंट क्या है? r by 3 है, चलो स्ट्रीट लाइन प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, r + r by 3 तो 4r by 3, ये सिंपल सा आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो वेरी गुड, कैसे बनाए समझ में आ गया ना? यस सर। अब थोड़ा और क्वेश्चन करवाते हैं इसमें, देखो इसे बोलते हैं सेम पोटेंशियल, मतलब ये जो हर जो टाइप है ना क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सेम पोटेंशियल, बेस्ड ऑन सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मतलब क्या? मतलब सेम वोल्टेज अगर होना, सेम वोल्टेज अगर हर जगह हो तो उस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं। जैसे अभी मैंने बताया था एक्स एक्स था, तो एक्स एक्स बी में जो एक्स एक्स में रेजिस्टेंस आ रहा था उसे मैं हटा रहा था, ठीक है, मतलब सेम पोटेंशियल पे बेस्ड करता है उसे। जैसे देखो सर्कुलर आर्क है, देखो सर्कुलर आर्क है, यहां पर रेजिस्टेंस ऐसे दिया गया है, ठीक है, सिंपल रेजिस्टेंस है, ये आर है, आर है, सभी आर है, सभी आर है, ये पॉइंट मान लिया गया ए और ये पॉइंट मान लिया गया बी सेंटर का, तो बोलता है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, पॉइंट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है, तो AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तो AB के क्रॉस जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, देखना ये एक वायर है, सिंपल वायर है, और इसमें ये वायर लगा हुआ, ये वायर, ये वायर, ये सब वायर लगा हुआ, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट A है, तो यहां भी A, यहां भी A, यहां, मतलब जो वोल्टेज यहां है
ए पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ भी, मतलब ए पॉइंट ए यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए कोई वोल्टेज नहीं खाएगा, सेम बात है, इसलिए बना गया सेम वोल्टेज। ठीक है, अब ये ए है तो यहाँ यहाँ भी क्या बनेगा, ए बनेगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्या है, अब ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस एक लाइन खींच डालो, ए और बी के अक्रॉस डालना है, ए और बी लिख दिया। अब ए और बी के अक्रॉस आर, ए और बी के अक्रॉस आर, देखो बच्चों, ए और बी के अक्रॉस आर, 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 मतलब फोर टाइम्स है, ए और बी के अक्रॉस आर, ए और बी के अक्रॉस आर, ए और बी के अक्रॉस आर। ठीक है, क्या तीन आपस में क्या पैरेलल है, तो आर इक्वल कितना बन जाएगा बच्चों, आर बाय फोर, सिंपल सा है। अब ये चाहे 10 ओम हो, चाहे ये 5 ओम हो, ये 6 ओम, कुछ भी हो, 10 5 ओम निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो और करते हैं, देखो इसमें और कैसे कुछ सूत्र रह सकता है। देखो इसे मान लो तुमसे बोल दिया कि सर ये रेजिस्टेंस इतना है बस, अब मुझे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी के क्रॉस करके दिखा दो, ये 3 ओम और ये 6 ओम, सोचो क्या करोगे। तो बी अगर वोल्टेज यहाँ है, बी पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट बी, मैं तो बी ही पॉइंट बोलूंगा, यहाँ भी पॉइंट बी, क्योंकि वायर कोई रेजिस्टेंस यहाँ भी है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ हर जगह क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो, अब ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस लाइन खींच डाला ऐसे, सबने ऐसे खींच दिया ए और बी, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट। अब देखो ए और बी के अक्रॉस 3 ओम, ए और बी के अक्रॉस 3 ओम, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस 6 ओम, तो ए और बी के अक्रॉस 6 ओम, ठीक है 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, देखो दोनों आपस में पैरेलल, आर वन इंटू आर टू, आर वन प्लस आर टू, 18 बाय 9 कितना आ गया 2 ओम, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों आना चाहिए। ठीक है, क्या और क्वेश्चन करते हैं, एक एक दो एग्जांपल और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। देखो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 3 ओम 6 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, ठीक है, एक वायर यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है सर, एक वायर यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है सर, ठीक है, इसे हटाओ, इसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बी और ये ए, बोलता है ए और बी के अक्रॉस आर भी निकालो, अब कोई खास बात नहीं। अब बताओ ये पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी ए, सही बात है, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, तो ये भी बी, सही बात है। अब यहाँ से ए और बी के अक्रॉस निकालो, देखो बिल्कुल है सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब देखो ए और बी के अक्रॉस कितना, 6 3 9 ओम है, उस सीरीज में आएगा 9 9 9 ओम, ठीक है क्या, 6 3 9, ए और बी के अक्रॉस कितना 2 ओम, ए और बी के अक्रॉस कितना 2 ओम, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस कितना 1 ओम, ए और बी के अक्रॉस कितना 1 ओम, समझ आया बच्चों। अब ये पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट, तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, बोलो कितना होगा, 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1, ऐसे ले लो 18, 2 प्लस 9 प्लस 18, ठीक है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा, अब जो भी इसका सॉल्यूशन निकाल लो आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों आना चाहिए। ठीक है।